कथा है, सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो ना सुने, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है कि आप भी बेगम की बातों से परेशान है। अगर एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हो लगती हैं 16 साल की। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। लेकिन ये नुस्खा आपने अपने रिस्क पे आजमाना है, क्योंकि एक दफा एक साहब मेरे पास आए, कहते मैंने वो नुस्खा आजमाया है, मुझे तो उल्टा पड़ गया है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने जाके बेगम को कहा कि आप 16 साल की लग रही हैं। कहते मेरी बेगम ने कहा कि आपकी पहले आंखें खराब थी, अब दिमाग भी खराब हो गया। जी इसलिए कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, करके अगवा सांस मेरे बास की, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बास को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। करके अगवा सास मेरे बॉस की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। बाज खवातीन बहुत नेक दिल होती हैं, साफ गो होती हैं, साफ साफ बात करती हैं। ऐसी ही खातून का एक जिक्र है कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। इस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी वो भारी थी। जो हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, ये बददुआ थी तेरी कोई ना मेरे पास रहे, मगर मैं देता हूं तुझको दुआ तहे दिल से, खुदा करे कि तेरे घर में तेरी सास रहे। मैंने जब ये कथा लिखा तो मेरी बाज़ बहनों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि आपने सास के खिलाफ लिखा है, अब आपकी जान सिर्फ इसलिए छूट सकती है कि आप सास के हक में लिखें। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं सास के हक में लिख देता हूँ। अगली दफा एक जगह बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहां पे मैंने ये शेर लिखा कि फकत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, फकत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, गलत फहमी हुई ऐसी कि अब मेरी क्लासें हों, मुझे तो सास के रिश्ते से खुद इतनी अकीदत है, मेरी जाती तमन्ना है मेरी 2-3 सासें। लेकिन ये हकीकत बात है, ये सिर्फ शायरी की हद तक है। मैं इंतहाई
अच्छा फाइनल पेश करें।